तो इन दोनों बागी तरफ से सबको राम राम। आज क्या रखें? Realme के वायरलेस 3। ये नेकबैंड अभी भी लॉन्च हुआ है, अमेजोन पे दिखे थे 1600 रुपए, मैंने इसको परचेज किया और इस प्राइसिंग पे कहीं ना कहीं मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो कंपटीशन में तो ऐसे ANC वाले नेकबैंड आपको कम ही देखने को मिलते हैं, तो ये एक्टिव नॉइस वाले जो नेकबैंड है कितने ज्यादा अच्छे हैं, प्रोडक्ट से वीडियो में बात करेंगे। और उससे पहले अपन खोलेंगे डब्बा। डब्बे में आपको देखने को मिल जाएगी थोड़ी बहुत ब्रांडिंग वगैरह, कुछ की हाइलाइट्स, कंटेंट पैकेज में ज्यादा कुछ दे नहीं दिखाई इन लोगों ने। आपको मिल जाएंगे सिलिकॉन की ईयर टिप्स, वो थोड़े से लार्ज मीडियम स्मॉल साइज के, और आपको मिल जाएगी एक मैनुअल जिसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और बाकी आपका मेन डिवाइस चार्जिंग केबल इन लोगों ने नहीं दी है, तो वो अपने हिसाब से देख लेना, अपने हिसाब का जो भी चार्जर हो उसमें लगाते हैं। वैसे भी आजकल सब टाइप सी हो गया है, तो टाइप सी वाले केबल सब लगाओगे तो चार्जिंग पे लग जाएगा, पैसे ही बच गए रियलमी वालों के, अच्छा ही हुआ कहीं ना कहीं। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो नेकबैंड को लेके, तो नेकबैंड का जो डिजाइन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ब्लैक एंड व्हाइट वाला मुझे तो बहुत पसंद आया। मतलब बहुत सारे जो नेकबैंड आते हैं यूजुअली वो एक जैसे नजर आते हैं, बट ये थोड़ा सा यूनिक दिखता है। अभी मैं बीच में आपको सिलिकॉन दे रखा है, ये जो बॉडी है वो प्लास्टिक की दे रखी है, और थोड़ा सा मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी कि यार ये मेटेलिक यूज कर लेते थोड़ा सा कहीं ना कहीं ड्यूरेबिलिटी बेहतर हो जाती, बट ठीक है क्वालिटी अच्छी है। थोड़ा सा बस इस चीज का ख्याल रखना कि ये ग्लॉसी है, तो ग्लॉसी पे ना स्क्रैचेस जल्दी लग जाते हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी एक हेड पे आपको मिल जाएगा टाइप सी का पोर्ट, यहाँ पे कुछ बटन वगैरह दे रखे हैं, लाइट इंडिकेशन मिल जाएगा। बाकी दूसरे हेड पे आपको मिल जाएगी सिर्फ रियलमी की बैजिंग, और कुछ नहीं दे रखा है। अब ईयर टिप्स के डिजाइन को लेकर बात करूं तो वो मुझे अच्छे लगे, मतलब अगर आप फिटिंग को लेकर बात करते हैं नेकबैंड में तो काफी बार दिक्कत आती है कि वो कान में से गिरते हैं रनिंग वगैरह या जॉगिंग वगैरह के लिए जा रहे हैं, बट इसकी फिटिंग काफी अच्छी और काफी अच्छे तरीके से कान के अंदर जो है चले जाते हैं, तो आप लंबे समय तक जो है इनको पहन के म्यूजिक और मूवीज वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। और एक खास चीज नोटिस करने वाली है कि टेक्सचर वगैरह भी दे रखा है, फील भी अच्छा है, और मैग्नेट के साथ में आते हैं। मैग्नेट के साथ आने के अलावा ये फंक्शन भी करते हैं एज अ मैग्नेट, अगर ये एक दूसरे से मैग्नेटिकली चिपके हुए हैं मतलब ये जो है ऑफ है, अगर इसको जैसे आप खोलोगे ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगे और फटाफट से जो है ये कनेक्ट होने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब कनेक्टिविटी की बात भी कर ही लेते हैं, तो कनेक्टिविटी में यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 5.3 इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, और ये नेकबैंड काफी सीमलेस वर्क करते हैं, और गूगल फास्ट पेयरिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो गूगल फास्ट पेयरिंग का यही फायदा है, जैसे अपने एप्पल के एयरपॉड्स वगैरह आते हैं ना तो एकदम से पॉपअप आता है डिवाइस खोलते से ही, वैसे ही पॉपअप आपको देखने को मिल जाएगा, फटाफट से कनेक्ट कर लो, ब्लूटूथ ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपने एक बार जिस ईमेल आईडी से कनेक्ट कर लेना, अगली बार कोई से भी डिवाइस पे खोलोगे तो ऑटोमेटिक आपका ये डिवाइस जो है वहाँ पे अपीयर हो जाएगा अगर उसके आसपास में, तो ये चीज बहुत अच्छी है, गूगल फास्ट पेयरिंग वाली चीज बढ़िया लगती है मुझे। अब 5.3 जो ब्लूटूथ इन्होंने यूज कर रखा है सीमलेस वर्क कर रहा है, कनेक्टिविटी में दिक्कत नहीं आएगी, और लेटेस्ट ही है, तो ऐसा आपको जो आवाज कटने की आवाज आती है ना या आवाज ब्रेक होने की आती है वो ऐसी दिक्कत आपको इस नेकबैंड में नहीं आएगी। अब यहाँ पर ना मेजर चीज़ है इसकी बैटरी परफॉर्मेंस, 40 आवर्स की बैटरी परफॉर्मेंस कंपनी का क्लेम है, और यहाँ पर जैसे कि यूजेज को लेके मैं बात करूँ तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस में आपको बैटरी में कम ज़्यादा देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि उन्होंने अभी ANC भी यूज़ कर रखा है, साथ ही में इसमें आपको हैवी बेस वाले ड्राइवर्स प्रोवाइड कर रखे हैं, और हैवी बेस मोड अगर आप ऑन करोगे तो वहाँ पर कहने का फिर बैटरी कंजम्पशन बढ़ जाता है, तो एवरेज मान के चल सकते हैं कि 30 से 35 आवर्स के अराउंड आपको जो है ये परफॉर्मेंस देंगे, जो कि मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं डिसेंट है और अच्छे हैं अगर एक नेकबैंड के हिसाब से बात करते हैं तो। हाँ, वाटर रेटिंग को लेके बात करूं तो ये IP55 रेटेड हैं, तो हल्के फुल्के स्प्लैश और डस्ट को ये इजीली रेजिस्ट कर जाएंगे, क्योंकि आपने ध्यान से नोटिस करा ही होगा कि यहाँ पर जो टाइप सी का पोर्ट है वो ओपन है, यूजुअली कवर अप रहता है तो दिक्कत नहीं आती, बट यहाँ पर जो इन्होंने ओपन दे रखा है तो ज्यादा अच्छी वाटर रेटिंग आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट हल्के फुल्के स्प्लैश और जिम वगैरह में जो पसीना वगैरह आता है उसको तो ये रेजिस्ट कर जाएंगे। बट इस डिवाइस की सबसे तबाही चीज है ना दोस्तों, वो है इसकी साउंड क्वालिटी। 13.6 mm के ड्राइवर यूज कर रखे हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक नेकबैंड में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप क्वालिटी को लेके बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जितने अच्छे ड्राइवर्स होंगे, यानी कि जितने नंबर ऑफ साइज अच्छा ड्राइवर का है उतना अच्छा बेस आपको देखने को मिलता है, यानी कि रिच बेस आपको देखने को मिलता है, और ये चीज़ ये डिवाइस आपको पूरी तरीके से फुलफिल करके देते हैं। मतलब अगर बेस एक्सपीरियंस को लेकर मैं बात करूँ तो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मुझे लगा है नेकबैंड में पर्सनली, क्योंकि यहाँ पर जो डेप्थनेस होती है, जो रिचनेस होती है, बेस की हर एक फ्रिक्वेंसी आपको प्रॉपर तरीके से सुनाई देती है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इंपैक्टफुल है। प्लस यहाँ पर जो ट्रेबल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, हाई लोज मिड्स काफ़ी बैलेंस कर रखे हैं, क्लैरिटी अच्छी मिल जाती है, स्टीरियो का सेपरेशन भी काफ़ी अच्छा है, तो ऐसे मुझे साउंड क्वालिटी में कोई कंप्लेन नहीं है और कंप्लेन हो भी नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर जो है Realme Link ऐप इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। अब Realme Link ऐप के थ्रू जब आप इस डिवाइस को कनेक्ट करेंगे ना दोस्तों, तो आपको यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, स्पेशली इसके जो बेस वाले सेगमेंट की मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पर देखो आपको बैटरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पहले तो, उसके बाद यहाँ पर कस्टम आपको साउंड इफेक्ट मोड्स दे रखे हैं, साउंड इफेक्ट्स इनकी प्रीसेट बना रखे हैं इन लोगों ने, जैसे कि ओरिजिनल साउंड है, प्योर बेस है, डीप बेस है। डीप बेस वाला थोड़ा ज़्यादा बेस हो जाता है और यहाँ पर ना ट्रेबल्स मिस हो जाते हैं, तो मेरे हिसाब से आप प्योर बेस में सुनो, यहाँ पर रिचनेस अच्छी मिल जाती है। इक्वलाइजर प्रोवाइड कर रखे हैं अपने हिसाब से, कस्टम आप बना भी सकते हो। प्लस यहाँ पर आपको डायनामिक बेस वाली चीज़ देखने को मिलती है। अब ये डायनामिक बेस वाली चीज़ जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब ये कहीं ना कहीं आपको बेस का प्रॉपर फील कराएगी, जब आप इसको ऑन करके इसको एकदम +5 पे कर दोगे ना, तगड़ा बेस आपको देखने को मिलेगा।
इवन यहाँ पर जो उन्होंने स्पेशल ऑडियो वाली चीज प्रोवाइड कर रखी है जो कि 360 साउंड कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस कराती है विद टेक्नोलॉजी और यहाँ पर जो उन्होंने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का जो कॉम्बिनेशन यूज कर रखा है, तो उसके चलते आपको ऐसा लगा कि आप मूवी के अंदर ही है। मतलब आप मूवी कोई भी कंटेंट देख रहे हैं, जैसे मूवी देख रहे हो या गेम वगैरह खेल रहे हो, तो वो एक रिचनेस मिलेगी आपको। और स्पेशली ये मतलब 360 वाला जो फील है मूवीज वगैरह में बहुत अच्छा फील देता है, तो ये कहीं ना कहीं आपको हमें मिल जाएगा। अब इसके अलावा आपको वॉल्यूम एनहांसर प्रोवाइड कर रखा है। अब ये जो वॉल्यूम एनहांसर वाली चीज है ना, ये बेसिकली वहां काम आती है जब कभी कभार कुछ डिवाइसेज होते हैं या कुछ ऑडियो फाइल होती है जो बहुत धीरे बज रही होती है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि यूट्यूब पे कोई वीडियो डाला हुआ जिसकी वॉल्यूम बहुत कम है, वो आपको प्रॉपर सुनाई नहीं दे पा रहा है, तो यहाँ पर आप वॉल्यूम एनहांसर को ऑन कर लो और उसकी जो वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पर। अब इसके अलावा यहाँ पर आपको दो और तगड़े फीचर प्रोवाइड कर रखे हैं जो कि है ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड। अब ANC को लेकर देखो मैं बात करूँ तो ईयरबड्स और हेडफोन्स में हम लोगों ने ऑलरेडी नोटिस कर रखा है, बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब आपको आसपास का कुछ भी सुनाई नहीं देता, और स्पेशली वहाँ पर जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो वगैरह में हो, या फिर ऐसे नॉइजी एनवायरनमेंट में जहाँ आप किसी से बात नहीं कर पा रहे प्रॉपर, तो वहाँ पर ये ANC वाला चीज़ बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पर नेकबैंड में ये चीज़ बोट ने पहले इनिशिएट कर ली है और हमने एक्सपीरियंस भी किया, मुझे ऐसा नेकबैंड में उतना इम्पैक्टफुल लगता नहीं है। रीज़न क्या ना कि जो सिलिकॉन वाले ईयर टिप्स होते हैं ना, ये पहले ही आपको ऑलरेडी इतना सक्शन क्रिएट कर देते हैं कि आसपास का वैसे कुछ सुनाई नहीं देता। अब यहाँ पर जब आप ANC ऑन भी कर लोगे ना, तो भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही फील होता है जैसे नॉर्मल मोड में, उतना ही आपको ANC में फील होगा। बस ये कि जैसे थोड़ी बहुत फैन वगैरह और जो AC वगैरह की आवाज़ है वो भी नहीं आती, बस इतना ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा अगर आप 50% से ऊपर वाली वॉल्यूम पर सुन रहे हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ANC ठीक ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मोड आपके लिए ज़्यादा काम में आएगा, क्योंकि ये मोड में आपको क्या होता है कि आपको आपके जो नेगमेंट है उसको निकालने की जरूरत नहीं होती कान में से, ऑन कर लो सामने वाले की आवाज आपको जो है डायरेक्ट जो है इसके माइक्रोफोन के थ्रू आपके ईयर में सुनाई देते, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज है। तो ये यहाँ पर मुझे काम की लगी, बाकी ट्रांसपेरेंसी वाली चीज को नहीं भी डालते ना तो वो भी काम चल जाता। बाकी एक चीज़ बहुत अच्छी करी इन लोगों ने कि इन्होंने डुअल डिवाइस कनेक्शन प्रोवाइड कर रखा है। इसको लेके काफ़ी लोग मन में रखते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं ना कि जिनको अपना लैपटॉप भी कनेक्ट करना होता है, अपने फ़ोन भी कनेक्ट करना होता है, तो यहाँ पर साइमल्टेनियसली स्विच हो जाता है। जैसे मेरा फ़ोन कनेक्टेड है, मेरे आईपैड भी से भी कनेक्टेड है, तो मेरे को जब भी म्यूज़िक को स्विच करना हो तो मैं बस ऑन करूँगा, वहाँ पर प्ले करूँगा तो वहाँ का बजने लगेगा, यहाँ पर प्ले करूँगा तो यहाँ का बजने लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है और सीमलेस वर्क भी करती है। इवन इसमें आपको गेम मोड प्रोवाइड कर रखा है, गेमिंग को बड़ा ध्यान दिया इन लोगों ने, इन्होंने इग्नोर नहीं किया उसको, क्योंकि अभी BGMI खेल रहे हैं, मैं खुद भी इसे खेलता हूं, तो 45 ms की लो लेटेंसी परफॉर्मेंस देते हैं और गेमिंग में दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे ये। और यहां पर अगर मैं क्लैरिटी को लेके बात करूं या स्टीरियो सेपरेशन को लेके बात करूं, गजब का है, और आपको प्रॉपर मालूम पड़ेगा कि बंदा राइट से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है, और आप फायरिंग वगैरह कर सकते हो और अपने आप को बचा सकते हो, टीम को एकदम रैंक 1 पे ला सकते हो। तो गेमिंग के लिए तो भाई फुल ऑन डेडिकेटेड है, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, आप गेमिंग के हिसाब से भी इसको ले सकते हो। अब इसके अलावा जो एक मेजर कंसर्न होता है कॉल क्वालिटी परफॉर्मेंस, कॉलिंग के टाइम पे कैसे परफॉर्म करने वाले, तो कॉलिंग भी अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि गेम में भी मैंने दोस्तों से बातचीत करी, बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, इवन मैंने कॉल पे भी बात करके देखी, सामने वाले को बढ़िया आवाज़ जा रही थी, और जो नॉइस कैंसलेशन की हम लोग बात करते हैं, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन को, वो भी आपको यहाँ पे दे रखा है, तो दिक्कत नहीं आएगी। और एक प्रॉपर टेस्ट भी करके दिखा देता हूँ किस तरीके से ये कॉलिंग के टाइम पे परफॉर्म करेंगे। तो गाइस अभी जो आवाज सुन रहे हैं वो रियलमी के बड्स वायरलेस 3 से आ रहे हैं, और कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस ये आपको कॉलिंग के टाइम पे और गेमिंग के टाइम पे देने वाले हैं जब आप किसी से बातचीत करेंगे। अब बाकी इससे बात आपने देख लिया था कि इसमें बटन वगैरह दे रखे हैं, तो बटन के फंक्शन में आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। कस्टमाइज करने का तो ऑप्शन दे ही रखा है, आप यहाँ पर जो इसका ऐप है वहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बटन दे रखा है जो कि आपके मोड स्विच करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी आपका ANC मोड हो गया उसको स्विच करने के लिए रखा है। बाकी जो है मल्टी फंक्शन बटन है, प्ले पॉज वगैरह करने के लिए है, असिस्टेंट को वेक करने के लिए, वॉल्यूम वगैरह बढ़ानी कम करनी है, ट्रैक फॉरवर्ड करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर बटन प्रोवाइड कर रखे हैं। अब बड़ा सवाल यही होता है कि यार 1600 रुपये के प्राइस में इसे खरीदें कि नहीं खरीदें, क्योंकि कंपटीशन है, OnePlus भी है, बोट भी है, उनके भी ऑप्शन अच्छे अच्छे ही हैं। तो मेरे हिसाब से देखो अगर ये अगर आप नेकबैंड खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये 1500-1600 रुपए के प्राइस में बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा नया यूनिक डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा और यंग फील के साथ में, प्लस यहाँ पर जो बेस वाली चीज है, जिनको बेस बड़ा पसंद है और डेप्थ बेस फील करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये नेकबैंड आपके लिए बड़े अच्छे रहेंगे। तो मेरा इतने कहना है अगर आप एक नया नेकबैंड ढूंढ रहे हो तो फिर इसको ट्राई जरूर से कर सकते हो, इसकी लिंक जो है बेस्ट बाय मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ। बाकी आपको ये डिवाइस कैसा लगा है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अच्छा लगा है ये वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर से कर देना अपने दोस्तों के साथ। आगे मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिटन रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।